Assalamualaikum dear students, मैं हूँ रिजवान अहमद। इल्म की दुनिया .com और institutors.com के प्लेटफॉर्म से हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स की सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंदर जो हमारा सिलेबस है टोटल, इसको जो है वो हम आप तक वीडियो लेक्चर्स के थ्रू पहुंचाएंगे। और हम जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स भी इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो लेकर आएंगे कि कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर पैटर्न के हवाले से हमने वीडियोज बनाई और किन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। तो अगर आपने ये वीडियोज मिस की हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज जो है इस सीरीज की वो देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आज से जो है वो हम फेसबुक के ऊपर भी लाइव चला करेंगे, तो वो हमारे व्यूअर्स जो फेसबुक पर इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, वो हमें जो है वो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इल्म की दुनिया, उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको जो है वो क्लिक करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं, जो वीडियोज अपलोड की जाती हैं, वो आप तक जो है वो पहुँचाई जा सकें, आप उससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। चलें शुरू करते हैं कि आज का स्पेसिफिकली जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 डार्क द वर एंड गोल्डन आइड, उसके क्वेश्चन आंसर्स, कि उसके क्या क्वेश्चंस हैं और उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे, हर जो जवाब है उसके दो मार्क्स होंगे, उसमें एक मार्क जो है वो ग्रामर का होता है और एक मार्क जो है वो कंटेंट का होता है। तो अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक होगी तो चाहे आपने कैसा भी आंसर लिखा हो, उसका आपको एक ही मार्क मिलेगा। और अगर आपने कंटेंट ही ठीक नहीं लिखा तो फिर वो आपका सारा क्वेश्चन ही जो है वो उसे क्रॉस कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकली आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना जरूरी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बड़ा लेंथी आंसर लिख देते हैं, लेकिन उसमें जो है वो कहीं ना कहीं एक दो मिस्टेक्स कर देते हैं ग्रामर की। तो एग्जामिनर जैसे ही ग्रामर की मिस्टेक्स देखता है, वो फौरन जो है वो आपका एक नंबर जो है वो एक मार्क उसे कट कर देता है। तो आपने जब अपने आंसर्स लिखने हैं वो आपने कंसाइज लिखने हैं, छोटे लिखने हैं, बहुत लेंथी आंसर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप आंसर लिखें तो उसमें आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो चले शुरू करते हैं कि डार्क द वर एंड गोल्डन आइड में पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड हैरी वांट टू गो बैक टू द अर्थ। हैरी जो है वो वापस जमीन पर क्यों जाना चाहता था जब वो मरीख पर आया। द क्लाइमेट वॉज वेरी सुवियर, सबसे पहली बात कि वो इसलिए वापस जाना चाहता था कि मरीख का क्लाइमेट बहुत सुवियर था, शदीद था। He believed, उसने ये ख्याल किया, उसका ये मानना था that it would change them, कि ये क्लाइमेट जो है वो उनको बदल कर रख देगा। किस चीज में? It would change them into Martians, वो उनको मरीखी बना देगा। तो जो इंसान होने की दुनिया पर रहने वाले के दुनिया पर रहने के नाते जो उनकी आइडेंटिटी है वो सब जो है वो खत्म हो जाएगी। दैट इज वाई, या फिर देयर फोर आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज वाई कॉमा ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू द अर्थ। दैट्स इट। देखें इतना सिंपल आपने जो है वो आंसर लिखना है कि पढ़ने वाला एग्जामिनर जो है उसे समझ आ जाए कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ लिया और उसको आपने कंसाइज होकर प्रिसाइज कम वर्ड्स में एक्यूरेट बात कर दी। वो इसलिए जाना चाहता था ना कि वो समझता था कि यहाँ पर रहकर हमारी शिनाख्त खत्म हो जाएगी, हम दुनिया के लोग रहेंगे नहीं, हमें कोई जानेगा नहीं और सब कुछ खत्म हो जाएगा जो हमने दुनिया पर जो इंसान ने आज तक हासिल किया। इसलिए वो कहता था कि अब मैंने यहाँ पर नहीं रहना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। द क्लाइमेट वॉज वेरी सुवियर, ही बिलीव दैट इट वुड चेंज देम इनटू मार्शियंस, That is why he wanted to return to the earth. That's it. बस इससे ज्यादा जो है वो और कोई इसमें आपने लिखने की जरूरत नहीं। चले दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारी इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, Why did he want to stay? Students, यहां पर एक मिनट के लिए रुकें और जरा इस क्वेश्चन को दोबारा सुने। Why did he want to stay? क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी जो है वो जुड़ी हुई है। हर साल जब हम पढ़ाते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। और डिफरेंट जो मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है उसका हर मटेरियल के अंदर इसका मुख्तलिफ जवाब लिखा हुआ है, क्योंकि ये सवाल कंफ्यूजिंग है, एम्बिगुअस है कि व्हाई डिड ही वॉन्ट टू स्टे, वो कहाँ पर रहना चाहता था। अगर हम कहें कि ही वॉन्टेड टू स्टे ऑन द अर्थ, जैसा कि हमने जो है वो कहानी के अंदर देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो हम कहेंगे, अब ये देखें ना, लॉजिकल बात है, इफ ही वॉन्टेड टू स्टे ऑन द अर्थ He could never have come to the Mars. अगर वो रहना चाहता होता तो वो मरीख पर जो है वो आता ही क्यों? मरीख पर इसीलिए आया ना, क्योंकि वो वहां से वो भागना चाहता था। अब दूसरी बात कि फिर अगर वो दुनिया से भागना चाहता था और मरीख पर आ गया था, तो फिर वो मरीख पर आकर क्यों नहीं रहना चाहता था? Why did he जो है वो want to stay?
अब ये कहां पर है? तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो ये हो सकता है कि वो फिर आखिरकार उसे मरीज पर जो है वो क्यों रहना पड़ा। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी एडिशन कर देते हैं और वो कहते हैं व्हाई डिड ही नॉट वांट टू स्टे, वो क्यों नहीं रहना चाहता था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो मरीख पर क्यों नहीं रहना चाहता था, लेकिन हम अपनी तरफ से एडिशन नहीं कर सकते। जिस तरह क्वेश्चन है हमने उसको उसी तरह ही अटेम्प्ट करना है। तो व्हाई डिड ही वांट टू स्टे, वो क्यों आखिरकार उसे क्यों रहना पड़ा मरीख के ऊपर। ही वांटेड टू स्टे ऑन द मार्स अगेंस्ट हिज विल। देखें वो जब आया था तो वो कहता था वापस चले, लेकिन उसे अपनी मर्जी के बगैर जो है वहां पर रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि मेरी बीवी बच्चे यहां पर अब सेफ हैं, चाहे उसकी मर्जी नहीं थी लेकिन मजबूरी से उसे जो है वो रहना पड़ा। ही न्यू, उसे पता था दैट सम डे एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, कि एक दिन जो है वो एटम बॉम्ब दुनिया को तबाह कर देगा। देखें जैसे एक तो है कि फिक्स का मतलब होता है ठीक कर देना, लेकिन यहां पर इसका मतलब है तबाह कर देना, खराब कर देना। ही न्यू दैट सम डे एटम बॉम्ब विल फिक्स द अर्थ, दैट्स वाई देयर फोर कॉमा ही वॉन्टेड टू स्टे। फिर आप लिख सकते हैं यहां पर That's it. बस इतना सा appropriate answer जो है वो enough है आपके लिए। Why did he want to stay? कि उसे जो है वो क्यों रहना पड़ा? क्यों उसके दिल आखिरकार उसके अंदर ख्वाहिश थी कि मैं मरीज पर रहूं? He wanted to stay on the Mars against his will. अपनी ख्वाहिश के बरक्स जाकर he knew that someday एटम बॉम्ब विल फिक्स दैट, कि उसे मालूम था कि एक दिन जो एटम बॉम्ब जो है वो दुनिया के अंदर खराबी पैदा कर देगा। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू स्टे हियर, इसलिए वो यहां पर रहना चाहता था। ये इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है। अब इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी एम्बिग्युटी नहीं रहेगी। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस, कि जब वो मरीख पर आए तो किस तरह का क्लाइमेट जो है उन्हें सामना करना पड़ा। दे फेस्ड ए हार्श या सिवियर, आप दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। दे फेस्ड ए हार्श या आप कहें सिवियर क्लाइमेट ऑन द मार्स, उन्हें मार्स के ऊपर जो है वो बड़ा सिवियर शदीद सख्त मौसम जो है उसके बाद सामना करना पड़ा। और वो मौसम कैसा था? द विंड वॉज हॉट एंड हाई, हवा बहुत तेज और गर्म थी। समर बर्न्ड एवरीथिंग, और गर्मी में हर चीज तो जो है वो बर्न हो गई, जल गई, राख हो गई। ये इस तरह का इसके अंदर जो है वो आप कुछ चीजें अगर ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कि फॉग जो है वो रात के वक्त चलती थी वो अफेक्ट करती थी। लेकिन ये अप्रोप्रिएट आंसर है, इससे आप जो है वो आप कन्वे कर पाते हैं कि हम क्या बात कहना चाहते हैं और हमसे पूछा क्या गया है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट दे फेस, दे फेस द हार्श सिवियर क्लाइमेट ऑन द मार्स, द विंड वॉज, सॉरी यहां पर वॉज आएगा, द विंड वॉज हॉट एंड हाई, हवा जो है वो तेज और गर्म थी। समर बर्न एवरीथिंग, और गर्मियों के मौसम में हर चीज जल गई। चले ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ वॉर ऑन द अर्थ, कि जब बिटरिंग फैमिली ने दुनिया पर जंग की खबर सुनी तो उनके हालात कैसे थे, उनके एक्सप्रेशंस कैसे थे, उनके जज्बात कैसे थे। दे वर शॉक्ड एंड अपसेट, परेशान थे, और शॉक का मतलब खौफ ज़दा, वो खौफजदा भी हो गए और परेशान भी हो गए। हैरी वॉज फियरफुल, हैरी जैसा के डरा हुआ था। लॉरा स्टम्बल्ड एंड वेप्ट, लॉरा जो है वो लड़खड़ाने लगी और रोने लगी। द मदर होल्ड ऑन टू हर का मतलब पकड़ लेना, मजबूती से थाम लेना,
hold on to her husband and the daughter. तो माँ ने जो है वो अपनी बेटी और अपने खामन को मजबूती से थाम लिया, एकदम से सदमे में चले गए। तो उन सारी फैमिली की कंडीशन कैसी थी? They were shocked and upset. सब परेशान थे। फिर हमने उसको एक्सपेंड करना है कि कैसे परेशान थे। हैरी वॉज फियरफुल, हैरी जो है वो डरा हुआ था, खौफजदा। लॉरा स्टम्बल्ड एंड वेप्ट, लॉरा जो है वो लड़खड़ाने लगी, स्टेगरिंग करने लगी और रोने लगी। द मदर होल्ड ऑन टू हर हस्बैंड एंड डॉटर, और माँ जो है उसने खामंद को और बेटी को जो है वो मजबूती से थाम लिया। एकदम सब जो है वो शॉक्ड हो गए, परेशान हो गए। ये इसका जवाब हो सकता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, के ये हैरी बिटरिंग की जो फैमिली है वो मरीख पर क्या चीज उगाना चाहते थे। परहैप्स, गालबन, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, परहैप्स, क्योंकि इसके डायरेक्ट जो है वो कोई भी इंफरेंस जो है वो यहां पर नहीं है कि वो क्या चीज उगाना चाहते थे। इनडायरेक्ट रेफरेंसेस है कि वो पीच ट्रीज उन्होंने वहां पर उगाए, वो अनियंस उन्होंने वहां पर उगाए और सब्जियां उगाए। परहैप्स दे वॉन्टेड टू ग्रो पीच ट्रीज अनियंस एंड अदर वेजिटेबल्स, और या फिर और दूसरी सब्जियां भी। दे ग्रू वेरी हार्श, वेरी ऑड, दे ग्रू ऑड, आप वेरी ना लिखें, दे ग्रू ऑड इन द हार्श मार्शियन क्लाइमेट। लेकिन जब उन्होंने वो उगाए, और चूंकि मरीख की आबो हवा बड़ी सख्त थी, बड़ी गर्म थी, तो वो अजीब गरीब शक्लों वाले और अजीब गरीब टेस्ट वाली ये चीजें पैदा हुई। तो ये असल में हमने एक्सपेंशन इसलिए की है क्योंकि ज्यादातर जो है वो कहा जाता है कि आपका जो आंसर है वो एटलीस्ट दो तीन सेंटेंसेस हो। एक सेंटेंस में अगर आप चाहे एक्यूरेट आंसर लिख लें, लेकिन वो एग्जामिनर जो है वो उसके समटाइम्स जो है वो दो मार्क्स नहीं देता कि आप बिल्कुल ही छोटी बात लिखी है। तो इसलिए हम जो है वो इसके साथ हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया, अदरवाइज हमारी यहां तक बात करेक्ट है। व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, परहैप्स दे वांटेड टू ग्रो पीच ट्रीज अनियंस एंड अदर वेजिटेबल्स, दे ग्रू ओवर इन द हार्श मार्शियन क्लाइमेट, वो जो सख्त एनवायरमेंट थी उसके अंदर वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से उगे। ये हमारा पांचवा सवाल था। सिक्स क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज में वो है, What was the condition of their house? के गर्मी में या मरीज की आबो हवा में उनकी जो कंडीशन थी उनके घर की वो कैसी थी? Hot wind had scorched their house. Scorch का मतलब होता है जला देना, जैसे कोई चीज झुलस जाती है। Hot wind had scorched their house. Even the fog at night, severely affected it. दिन के वक्त तो जो हवा चलती उससे तो उनका घर झुलस गया, लेकिन रात के वक्त धुंध पड़ने लग जाती और उस धुंध की वजह से भी उनका घर जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ। All the boards, जितने भी तख्ते थे, All the boards warped out of shape. सारे जो boards लगे हुए थे वो सब deform हो गए, उनकी शक्लें तब्दील होने लगी गर्मी की वजह से। It did not look, an earthman's house. An earthman's house. मरीज की आबो हवा ने उनके घरों के ऊपर क्या असर डाला? इंसानों के ऊपर तो असर डाला ही डाला, वो डार्क हो गए, गोल्डन आइड हो गए, लेकिन उनके घर कैसे इससे अफेक्ट हुए? हॉट विंड, सख्त गर्म हवा की वजह से had scorched their house. उनके घर झुलस गए, वो पेंट जो है वो उखड़ गया, फ्लेक अवे। Even हत्ता के the fog at night, के रात के वक्त जो फॉग चलती, severely affected, उसने
इसको जो है वो उसको भी अफेक्ट किया. ऑल द बोर्ड्स वॉक्ड आउट ऑफ शेप और सारे जो तख्ते थे जो बोर्ड्स थे वो उनकी शक्लें भी तब्दील हो गई. इट डिड नॉट लुक एन अर्थ मैन्स हाउस. अब उनका घर जो है वो दुनिया के रहने वाले लोगों जैसा घर नहीं नजर आता था. बस ज्यादा आपने एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत लंबे आंसर्स नहीं लिखने, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. सेवंथ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल, कि हैरी ने लोगों को क्या नसीहत की. हमें पता है ही एडवाइज्ड देम टू बिल्ड अ रॉकेट. उसने लोगों को नसीहत की कि चलो रॉकेट बनाए. क्यों? टू रिटर्न टू द अर्थ, ताकि हम उस रॉकेट से वापस जो है दुनिया पर चले जाएं. ही हिंटेड टुवर्ड्स द ऑड अनियंस एंड पीच ट्रीज grown in the Martian soil. उसने उनको नसीहत की कि चलो अब रॉकेट बनाते हैं ताकि हम दोबारा जो है वो जमीन पर चले जाएं. और उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने हिंट किया, वार्न किया, इशारा भी किया कि देखो यहां पर जो हम सब्जियां उगा रहे हैं, यहां पर जो हम अनियंस उगाते हैं, यहां पर जो हम पीच ट्रीज उगाते हैं, ये मार्शियन मट्टी के अंदर बड़े अजीबोगरीब हैं, तो हम यहां पर रह नहीं सकते, वापस हमें जाना चाहिए. इसके बाद देखते हैं कि हमारा इस एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी. ये वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस एक्सरसाइज में से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये उनमें से एक है. ये जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है ये पिछले 5-10 सालों में 3-4 दफा जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बार बार जो है जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है. हाउ डेंजरस कैन अ मार्शियन वायरस बी, एक मार्शियन एक मरीखी वायरस जो है वो कितना नुकसानदेह हो सकता. अ मार्शियन वायरस कैन बी वेरी डेंजरस, वो बहुत जो है वो खतरनाक हो सकता है. इट कैन डिसॉल्व देयर आइडेंटिटीज, ये लोगों की शनाख्त को खत्म कर सकता है. इट कैन मेक देम डार्क एंड Golden-Eyed, ये उनको उनकी फिजिक बिल्कुल चेंज कर सकता है, उनको डार्क और Golden-Eyed बना सकता है. आपने इतने ही बात जो है वो इसमें लिखनी है. एक मार्शियन वायरस बहुत खतरनाक हो सकता है. कैसे? क्योंकि वो इंसान की शनाख्त को खत्म कर सकता है और ये उनको जो है वो उनकी फिजिकल चेंजेस भी उनके अंदर ला सकता है. इट वुड मेक देम डार्क एंड Golden-Eyed, उनको जो है वो काले रंग का और जर्द आंखों वाला बना देगा. जी स्टूडेंट्स, ये तो थे क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में दिए हैं. जो ये इसमें से 2-3 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर जो है 4 है. ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर से, इस लेसन से जो है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. जो आपके कमेंट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे भेज सकते हैं. इंशाल्लाह हाजिर होंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम इस चैप्टर के जो MCQs और पंक्चुएशन है और जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ और ट्रांसलेशन है उनको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.